प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के बहुमत, आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनता है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के अनुरूप ही अपने अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करे तो यह असंवैधानिक होगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व संसद के बीच सेतु का काम करता है। लोकसभा विघटित हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती। अगली सरकार के गठन होने तक वह राष्ट्रपति को परामर्श देती रहती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व सरकार गठन के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत का अर्थ है लोकसभा के कुल सदस्यों में कम से कम आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यदि वर्तमान लोकसभा में कुल 543 सांसद सीटें हैं तो उसमें बहुमत के लिए कम से कम 272 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होगा। लोकसभा के सदस्य कई राजनीतिक दलों या पार्टियों में बटे होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि। कई पार्टियां राज्य विशेष की भी होती हैं, जैसे AIADMK, तृणमूल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद। हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और नीति संबंधित प्रस्ताव होते हैं, जिनको आधार बनाकर वे चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के बाद लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं। अगर इनमें से किसी एक पार्टी के 272 या अधिक सांसद हों तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि किसी भी दल के पास बहुमत ना हो तो एक से अधिक दल गठबंधन कर सकते हैं और मिलकर सरकार बना सकते हैं। गठबंधन दलों के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री अपने या सहयोगी दलों के सदस्यों में से अपने मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करता है और उनकी योग्यता व अनुभव के अनुरूप उन्हें विभिन्न विभाग सौंपता है। मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करना होता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के संचालन की धुरी प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अर्थात जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना यह है कि सारे मंत्री एक दूसरे के काम का समर्थन करेंगे और संसद में या सार्वजनिक रूप में एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे। यह माना जाता है कि सारे मंत्री एक दूसरे तथा प्रधानमंत्री की सहमति से कार्य करते हैं। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास व्यक्त करे तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य तो राजनेता होते हैं और वे बहुत सीमित समय के लिए मंत्री होते हैं। इनका मुख्य काम नीतिगत निर्णय लेना और विभागों और लोगों के बीच कड़ी के रूप में काम करना होता है। मंत्रिमंडल को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरों, पुलिस आदि का एक बड़ा ढांचा होता है, जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और संबंधित विभाग के कामकाज में निपुण होते हैं। इनकी मदद से सरकार अपनी कार्यपालिक जिम्मेदारियां निभाती है।